हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूट्यूब टेक। फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले हैं मी वाईफाई प्लस वाईफाई रिपीटर का, जो कि एमआई का एक छोटा सा डिवाइस है। पैकेजिंग कुछ इस तरह से आपको मिलती है छोटा सा पैकेट मिलेगा जिसमें आपको ओनली डिवाइस मिलेगा। पीछे की तरफ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मी वाईफाई रिपीटर 2, MRP 999 रुपीज़, वायरलेस 2.4 GHz, 300 Mbps की स्पीड है, इनपुट 5V 1 Ampere का है। ऊपर की तरफ बताया हुआ है कि किस तरह से आप इसको पावर ऑन कर सकते हैं। और ये कॉर्नर में जो आपको QR कोड मिलता है, इस QR कोड की मदद से आप MI की जो ऐप है इसको कॉन्फ़िगर करने के काम आती है, मी होम ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है मी वाईफाई रिपीटर 2। पीछे की तरफ दो स्मॉल होल्स मिलेंगे, एक LED है और एक है रीसेट करने का बटन। यहाँ पे मॉडल मेंशन किया हुआ है, मॉडल RO2 फ्रॉम Xiaomi प्रोडक्ट्स कॉरपोरेशन। आगे के कैप हटाने के बाद आपको USB में इंसर्ट करने के लिए, USB पोर्ट में इंसर्ट करने के लिए हेड मिल जाएगा। इसको आप किसी भी अपने पावर बैंक में या किसी एग्जिस्टिंग चार्जर में इंसर्ट कर सकते हैं। पावर बैंक में इंसर्ट करने के बाद ये पावर ऑन हो जाता है, LED ब्लिंक होना शुरू हो जाती है, पेयरिंग मोड में ये आ गया है। आप अपने किसी भी फ़ोन के स्टैंडर्ड चार्जर का यूज़ कर सकते हैं इसको पावर ऑन करने के लिए, बट रेटिंग उसकी 1 Ampere होनी चाहिए, 1 Ampere से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये 1 Ampere के चार्जर में मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है। फिर आप किसी भी पावर ब्रिक में या अपने बोर्ड में इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसको पावर देने के बाद आप देखेंगे कि इसके पीछे की LED वो ब्लिंक होना शुरू हो जाए और LED ब्लिंक होने का मतलब है कि ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। ये देखिए, ऊपर LED ब्लिंक हो रही है। अब आपको अपनी मी होम ऐप पर जाना है। मी होम ऐप को आप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लीजिए और जैसे ही आप अपनी ऐप को खोलेंगे ये अपने आप डिवाइस को डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्ट करने के बाद ये आपसे वाईफाई के सिग्नल को कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। अपने एग्जिस्टिंग वाईफाई को कनेक्ट करिए, इससे पासवर्ड इंसर्ट करिए, तो ये आपके वाईफाई का एक हॉटस्पॉट तैयार कर देगा जिसमें प्लस एक ऐड हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि नाम जो है ये हमारे ही वाईफाई का है। फिर आप अपने सेटिंग्स में जाइए फ़ोन की और आप अपने वाईफाई को कनेक्ट करिए। यहाँ अब मैं आपको इसकी स्पीड दिखाता हूँ, स्पीड काफ़ी फास्ट हो चुकी है। मैं जिस एरिया में बैठा हूँ यहाँ पे पहले कभी स्पीड इस तरह की नहीं आती थी। अब आप देख रहे हैं कि वीडियोस कितनी जल्दी जल्दी लोड हो रहे हैं। किसी भी वीडियो पे क्लिक करने के बाद बहुत जल्दी से ये प्ले हो पा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये डिवाइस रियली वर्क करता है दोस्तों, और मुझे इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो आप भी इसको कंसीडर कर सकते हैं परचेज करने के लिए। मैं देता हूँ इसको थम्स अप। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।